हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। तो मॉडल्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एक नया टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ आज। और इससे पहले आप ये भी जान लें कि आई एम राजेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी टाइम। एक बात ये भी कि यदि आप मेरे चैनल में एकदम नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स भी एक तरह की वर्ब ही होती है, लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि वो मॉडल्स को सही सही तरीके से फिलअप नहीं कर पाते। इस वीडियो का आप अंत तक देखें और मैं समझता हूँ कि आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप कभी भी मॉडल वर्ब्स को भरने में गलती नहीं करेंगे। तो आइए मॉडल्स वर्ब्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मॉडल वर्ब क्या है, तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक तरह की वर्ब ही हैं, वर्ब हैं। और जैसा कि आप देखते हुए आए हैं, टेंसों के अंदर मैंने आपको टेंसेज पढ़ाए और टेंसेज क्या होते हैं ये भी आपको बताया कि टेंसेज आर यूज ऑफ वर्ब। लेकिन जब हम वर्ब को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो वी कैन से दैट वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि एक तो होती है ऑर्डिनरी वर्ब, जिनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। और दूसरे तरह की जो वर्ब होती है जिनको आप जानते हो, उनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर उनका एक दूसरा नाम भी है, ऑक्सिलियरी वर्ब। और इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले से ही, वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। और इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है, इनको एक तरीके से हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 24 होती है संख्या में। और इनका एक नाम ये भी है कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी इनकी जो संख्या है, जो नंबर है वो 24 है और ये नॉट की फ्रेंड है। कहने का मतलब, सेंटेंस में जब हम इनका यूज़ करते हैं और बात को यदि हमको नेगेटिव बनाना होता है तो इन्हीं के साथ हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ही लगाते हैं। जैसा कि मेन वर्ब के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि बात सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब ये 24 जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी होती है ये भी आप देख लें। तो ये एक तो हम कह सकते हैं टू बी वाली जो वर्ब हैं, टू बी, जैसे इज है, एम आर, जो कि आप देखते आए हैं कि ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह वाज और वर्ब से भी आप पूरी तरीके से फेमिलियर हैं कि वाज और वर्ब का प्रयोग हम पास्ट टेंसों के अंदर करते हैं, पास्ट टेंस के अंदर करते हैं। और इसी तरीके से जैसे हैव वाली जो वर्ब होती है, हैव, टू हैव, तो इसमें आती है आपके हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। और इसी तरीके से
टू डू में आपके डू, डज और डिड, ये कुछ ये वर्ब हैं। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल वर्ब्स भी होती है, जैसे जैसे कैन है, कैन, कुड है, कुड, इसी तरह मे है, माइट है, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, इसी तरह शैल है, शुड है, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इसी तरह विल, वुड, विल, वुड, विल और वुड, और इसी तरह मस्ट, मस्ट, और यूज्ड टू और ओट टू, यूज्ड टू है और ओट टू है। कुछ और हैं जैसे डेयर है और नीड, डेयर और नीड। तो ये जो ग्रुप अलग से मैंने लिखा है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये सब मॉडल्स हैं, मॉडल्स, तो दीज आर द मॉडल्स। हालांकि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं, तो ये सब मिला करके ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है। लेकिन स्पेशली ये जो क्रियाएं बॉक्स के अंदर बंद है, ये मॉडल्स का काम करती है। अब स्पेशली ये मॉडल्स क्या होती है? मॉडल्स एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब का जो यूज होता है उसके मूड को या मोड को, यानी अवस्था या फीलिंग को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है किसी भी मूड या मोड को। तो स्पेशल मूड या मोड को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब काम में आती है उनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अब इनका हम जब यूज करेंगे तो देखेंगे कि कैन और कुड का यूज कैसे होता है, मे और माइट किन किन परिस्थितियों में इनका हम यूज करते हैं, सेल और सुड से क्या चीज़ें एक्सप्रेस होती है, बिल और बुड से क्या एक्सप्रेस होता है, मस्ट और यूज टू से क्या एक्सप्रेस होता है, ओट टू से क्या एक्सप्रेस होता है, डेयर से और नीड से क्या चीज़ एक्सप्रेस होती है, कौन कौन से मूड ये एक्सप्रेस, ये यानी ये जो मॉडल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के मूड्स को एक्सप्रेस करती है। तो आप देखिए, सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ऑक्सिलरीज, यानी हम इनको एक ही कैटेगरी में यहाँ पर बोलेंगे ऑक्सिलरीज, क्योंकि ऑक्सिलरी के अंदर ही मॉडल्स भी शामिल होती है, वो भी एक तरह के मॉडल भी अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब भी है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब क्यों? वो इसलिए कि ये हमेशा इस पैटर्न के अनुसार सेंटेंस में आती है, पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी, 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 और उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इनका यूज करते हैं। इस ऑक्सिलरी को हम यहाँ पर मॉडल भी कह सकते हैं, यानी जब भी कोई रिक्त स्थान हमको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना होता है तो अधिकतर इस तरह का ही पैटर्न हमारे सामने आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में, अब ये जो खाली स्थान है यहाँ पर ये मॉडल का स्थान है, और यहाँ पर हम मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हम करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद में। इसको इस तरह याद रख लें आप, सब्जेक्ट, मॉडल, और मॉडल के बाद में मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल, और मॉडल के बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ऑक्सिलरीज, यानी अधिकतर
ये ऑक्सिलरीज जो होती है यानी जो मॉडल्स होती है उनके इम्पोर्टेंट यूज या फैक्ट्स, हम इसको फैक्ट्स भी कह सकते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य फैक्ट्स हैं, क्या क्या इनमें विशेषता हैं, फैक्ट्स या यूज। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरीज, तो एक चीज़ तो यह है कि पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ये जो ऑक्सिलरीज होती है यानी जो मॉडल्स होती है ये किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में काम में नहीं ले जाती, यानी इनका इनका मतलब मॉडल्स का, यानी मॉडल्स का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है इनका। जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे ये कोई सेंटेंस है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और स्पीक यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो फिर ये कैन क्या है, ये मॉडल है, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यहाँ पर हमने इसका काम किया है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये काम में आइए। तो मेन वर्ब के रूप में मॉडल्स का यूज़ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये किसी सेंटेंस में काम आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, यानी मॉडल्स की कोई फॉर्म नहीं होती, मॉडल्स की कोई वर्ब फॉर्म नहीं होती, वर्ब फॉर्म नहीं होती है, यानी इनकी कोई वर्ब फॉर्म नहीं होती। जैसा कि मेन वर्ब में वर्ब फॉर्म होती है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि भाई राइट ये कोई वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसकी तीन फॉर्म हम देखते हैं, राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, ये इस तरीके से इसकी वर्ब फॉर्म होगी, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अलावा आईएनजी वाली फॉर्म यानी चौथी फॉर्म भी इनकी होती है, उनमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे इसकी चौथी फॉर्म राइटिंग, राइटिंग, और इसकी पांचवी फॉर्म टू राइट, ये इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म हुई, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम कहेंगे चौथी फॉर्म को जिसमें आईएनजी लगता है, जब मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है, और जब किसी मेन वर्ब से पहले टू लगता है तो वो इन्फिनिटिव हो जाती है। लेकिन मॉडल्स की कोई फॉर्म नहीं होती, जैसे राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, जैसे कोई सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये जो कैन शब्द आया है यानी ये जो मॉडल आया है इसकी कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, जबकि लिफ्ट जो मेन वर्ब है इसकी वर्ब फॉर्म हो सकती है, जैसे लिफ्ट लिफ्टेड लिफ्टेड। इसी तरीके से और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि मॉडल्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, मॉडल्स के बाद किसी भी सेंटेंस में, मॉडल्स के बाद यदि मॉडल कहीं पर यूज हो रहा है तो मॉडल्स के बाद सेंटेंस में हमेशा MV1 का यूज होता है, यानी क्रिया की पहली फॉर्म आती है MV1 का यूज होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा एक और फैक्ट, मॉडल्स का
कोई इन्फिनिटिव नहीं होता, मॉडल्स का कोई इन्फिनिटिव नहीं होता है, मॉडल्स का कोई इन्फिनिटिव नहीं होता है, जैसे कि मेन वर्ब का होता है। जैसे मेन वर्ब, जैसे आप देखिए मेन वर्ब क्या है, इसको आसानी से समझने के लिए आप ये समझें कि हिंदी के वाक्यों में, यानी हिंदी के शब्दों में जिस क्रिया में नाना शब्द आ रहा हो, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, तो उनकी जो अंग्रेजी बनेगी वो सब ये मानिए कि वो जो है मेन वर्ब है। जैसे लिखना, जैसे लिखना, लिखने से कहते हैं राइट, राइट। जैसे पढ़ना रीड, जैसे खाना ईट, जैसे तैरना स्विम। तो ये जितनी भी मेन वर्ब होती है इनके इन्फिनिटिव होते हैं, इनके आगे टू लगा करके हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं, टू राइट, टू रीड, टू ईट, टू स्विम। लेकिन मॉडल्स का कोई इन्फिनिटिव नहीं हो सकता। जैसे जैसे मॉडल है आपके, जैसे कैन है कैन, जैसे मे है, जैसे शुड है, तो इनके आगे हम इन्फिनिटिव बनाने के लिए ऐसे टू नहीं लगा सकते कि भाई टू कैन या टू मे या टू शुड, ये सब गलत है, रॉन्ग है। तो मॉडल्स का कोई इन्फिनिटिव नहीं होता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, कि कुछ मॉडल्स ऐसी हैं जो इन्फिनिटिव के साथ काम में आती है, कुछ मॉडल्स ऐसी भी हैं, यानी ऐसी दो मॉडल हमारे सामने हैं जो इन्फिनिटिव के साथ ही आती है, वो एक्सेप्शन मान सकते हैं हम इनको। जैसे वो कौन कौन सी है ये देख लीजिए आप। एक तो यूज्ड टू, यूज्ड टू, ये इन्फिनिटिव के साथ इन्फिनिटिव लेकर के आती है। इसी तरह ओड टू, ओड टू, यूज टू और ओड टू, ये इन्फिनिटिव के साथ यूज में होती है, इनका यूज हम इन्फिनिटिव के साथ ही करते हैं। जैसे जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे राम यूज टू प्ले इन द मॉर्निंग, यूज टू प्ले, यहाँ पर ये इन्फिनिटिव के साथ क्रिया आई है मॉडल के साथ में। इसी तरीके से जैसे सीता ओड टू हेल्प हर मदर, सीता को अपनी माँ की सहायता करनी चाहिए, ओड टू हेल्प। तो यहाँ पर भी ये इन्फिनिटिव के साथ क्रिया आई है। तो ये दो मॉडल हमारे सामने ऐसी है, यूज टू और ओड टू, जो मॉडल जो इन्फिनिटिव के साथ में इनका यूज हम करते हैं। इसी तरीके से जैसे देखिए, इसको दोबारा लिख देते हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरीज या मॉडल्स ऑक्सिलरीज, ये पढ़ रहे हैं हम। तो हमने ये देखा अब तक कि मेन वर्ब के रूप में इनका यूज नहीं होता, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है इनमें भी, मॉडल्स के अंदर भी, जो मेन वर्ब के रूप में भी काम में आती है। जैसे कौन कौन सी है ऐसी मॉडल, तो कुछ ऐसी मॉडल्स भी हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब के लिए भी करते हैं, या मेन वर्ब के रूप में भी उनका यूज होता है, और वो है डेयर, डेयर एवं नीट, डेयर एवं नीट, डेयर एवं नीट का यूज, डेयर एवं नीड का यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी
करते हैं, जैसे जैसे आप देखिए, सी नीड्स माई हेल्प, सी नीड्स माई हेल्प, जैसे ही डज नॉट डेयर टू टच हर, जैसे ये कुछ सेंटेंस है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये करता है, और ये नीड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम आई है, माई हेल्प या ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये ही यहाँ सब्जेक्ट है, ये निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट आया है, और फिर ये डेयर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, टू टच हर, ही डज नॉट डेयर टू टच हर। तो इस तरीके से डेयर एवं नीड का यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, और यूज़ टू और ओट टू का प्रयोग हम इन्फिनिटिव के साथ भी करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है मॉडल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम और जो ऑक्सिलरीज है हमारी बची हुई, उनके बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स।